दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है अबाउट टाइम। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम टिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इंग्लैंड में एक समुंदर किनारे घर में रहता है। उसके साथ उसके डैड जेम्स जो कि एक रिटायर प्रोफेसर हैं, उसकी माँ मैरी और उसके अंकल डेसमंड रहते हैं और उसकी बहन कैथरीन जिसे वो किटकैट बुलाता है। टिम अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करता है। वो लोग बीच पे जाते हैं और हर फ्राइडे एक पिक्चर देखते हैं और न्यू ईयर पे हर साल पार्टी करते हैं। इस साल भी उनके घर एक पार्टी होती है लेकिन टिम को ऐसी पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता था लेकिन कैथरीन उस पार्टी में खूब इंजॉय करती है, उसे ऐसी पार्टी बहुत पसंद है। फिर एक दिन टिम के डैड उसे एक बात बताते हैं। वो टिम से कहते हैं कि जब वो 21 साल के थे तब उनके डैड ने उसे ये बात बताई थी और अब मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। इस परिवार के मर्दों के पास एक अनोखी पावर है जिसे यूज़ करके वो अपने पास्ट में जा सकते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर को सुधार सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने पास्ट में ही जा सकते हैं। टिम इस बात पे यकीन नहीं करता। उसके डैड उससे कहते हैं कि ऐसा करने के लिए उसे एक अंधेरी जगह में जाके अपनी मुट्ठी बंद करनी होगी और आँख बंद करके उस मोमेंट को सोचना होगा जहाँ वो जाना चाहता है। टिम को ये सब मजाक लगता है इसलिए वो इसे आजमाने के लिए कबर्ड में जाता है और मुट्ठी बंद करके एक मेमोरी सोचता है। इसके बाद वो टाइम ट्रैवल करके न्यू ईयर पार्टी में पहुंच जाता है और वो सब करता है जो पहले नहीं करता था। वापस आके वो अपने डैड से बात करता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि इस बारे में मैरी को भी नहीं पता है और तुम इस पावर को अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए इस्तेमाल करना, ना कि पैसा और फेम पाने के लिए, नहीं तो वो अपने दादा और उनके भाई की तरह हमेशा अकेला ही रह जाएगा। टिम कहता है कि वो इसका इस्तेमाल प्यार पाने के लिए करेगा और इसका मौका उसे मिल जाता है क्योंकि कैथरीन की दोस्त शार्लेट 2 महीनों के लिए उनके साथ रहने आती है। टिम उसे इम्प्रेस करने में जो भी गलती करता उसे वो टाइम ट्रेवल करके सुधार लेता था। टिम शार्लेट के साथ इतना खो गया था कि टाइम ट्रेवल की बात उसके दिमाग से निकलती जा रही थी। शार्लेट जब अपने घर वापस जाने वाली थी उस दिन तक टिम अपने दिल की बात कहने के लिए रुका रहा। उसी रात को टिम शार्लेट के पास जाके अपने दिल की बात कहता है लेकिन शार्लेट उससे कहती है कि उसने ये कहने में देर कर दी। अगर वो पहले उससे ये बात कहता तो इतने दिनों तक वो दोनों साथ में वक्त बिता के एक दूसरे को जान लेते। अब टिम टाइम ट्रेवल करके 1 महीने पीछे जाता है और वहाँ वो शार्लेट से अपने दिल की बात कहता है लेकिन शार्लेट उससे कहती है कि वो ये बात उससे तब बताए जब उसका यहाँ आखिरी दिन हो। टिम समझ जाता है कि शार्लेट उसे पसंद नहीं करती है और टाइम ट्रेवल करके कभी किसी का मन नहीं बदला जा सकता है, इसलिए वो शार्लेट को भूल जाता है। टिम को लॉयर बनना था इसलिए वो लंदन जाने की तैयारी करता है। उसके अंकल उसे कुछ कॉइन दे के कहते हैं कि इन्हें संभाल के खर्च करना। लंदन में टिम अपने डैड के दोस्त हैरी के साथ रहता है जो कि हमेशा गुस्से में रहता था। हैरी एक ड्रामा राइटर है। वो टिम का स्वागत गुस्से में करता है और कहता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था लेकिन टिम के आने की वजह से वो आइडिया उसके दिमाग से चला गया। टिम अपनी जॉब से खुश था और उसके आसपास लड़कियां थी लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ उसका दोस्त ही था। एक दिन वो अपने दोस्त जय के साथ रेस्टोरेंट जाता है जहाँ एक ब्लाइंड डेट गेम चल रहा था। टिम अंधेरे में मैरी नाम की लड़की से बात करता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। फिर मैरी बाहर आती है और वो एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद मैरी टिम को अपना नंबर देती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब टिम खुशी खुशी घर आता है और हैरी को देखता है जो गुस्से में था। हैरी टॉम को बताता है कि आज उसके प्ले की ओपनिंग थी, सबको प्ले पसंद आया लेकिन एक एक्टर अपनी लाइन भूल गया जिस वजह से सब बर्बाद हो गया। टिम हैरी की मदद करने के लिए पास्ट में जाता है और उस एक्टर के पास जाके उसे लाइन्स याद करने के लिए कहता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि लाइन्स भूलने वाला कोई और एक्टर था। टिम फिर से पास्ट में जाके उस एक्टर की मदद करता है जिस वजह से सबको प्ले बहुत पसंद आता है। फिर वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है और मैरी को फ़ोन करने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि हैरी की मदद करने के लिए उसने टाइम ट्रेवल किया था जिस वजह से वो कभी मैरी से मिला ही नहीं। इस बात से टिम उदास हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि मैरी को एक मॉडल बहुत पसंद थी इसलिए वो उस मॉडल के एग्जीबिशन में जाता है।
काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी मैरी वहाँ नहीं आती। टिम का साथ देने के लिए कैथरीन भी वहाँ आ जाती है। थोड़ी देर बाद मैरी वहाँ आती है। टिम उसके पास जाके उससे बात करता है, लेकिन मैरी टिम को पहचान नहीं पाती है। घबरा के टिम कैथरीन के पास आ जाता है, लेकिन फिर वो मैरी के पास जाता है। इस बार मैरी टिम के साथ वक्त बिताने के लिए मान जाती है। मैरी से बातें करने के बाद टिम को पता चलता है कि मैरी का अब एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रूपर्ट है। टिम इस बात पर यकीन नहीं कर पाता और उनसे इस सब के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद टिम उस पार्टी में रूपर्ट से पहले पहुंच जाता है जहां मैरी और रूपर्ट मिले थे। वो मैरी के पास जाके उससे बातें करने लगता है और वो उसे पार्टी से बाहर ले जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। मैरी टिम को लाइक करने लगी थी। इसके बाद वो मैरी के घर तक वॉक करके जाते हैं और घर जाके वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और एक दूसरे के साथ ही रहने लगे थे। फिर कुछ दिनों बाद मैरी के पेरेंट्स उसके घर आते हैं। उनको पता था कि टिम मैरी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उसके साथ ही रहता है ये उनको नहीं पता था। टिम से मिलने के बाद उनको भी टिम पसंद आता है। एक रात टिम को शार्लेट मिलती है। वो टिम को अपने दोस्त से मिलवाती है। टिम को लगता है कि वो दोनों कपल हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद शार्लेट टिम को डिनर पर ले जाती है और कहती है कि वो अब उसे पसंद करने लगी है। इसके बाद शार्लेट टिम को अपने घर ले जाती है और उसे अंदर आने को कहती है, लेकिन टिम अंदर आने से मना कर देता है और भाग के मैरी के पास पहुंचता है और उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। मैरी उसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद टिम मैरी को लेके अपने घर जाता है जहाँ मैरी सबसे घुल मिल जाती है। कैथरीन भी लंदन से वापस आ जाती है। टिम सबको बताता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। फिर उन दोनों की तूफान के बीच शादी होती है। टिम ने जिसको स्पीच देने के लिए कहा था वो सब स्पीच खराब कर देते हैं, इसलिए टाइम ट्रेवल करके टिम अपने डैड को स्पीच देने के लिए कहता है। लेकिन उसके डैड भी अपनी स्पीच से खुश नहीं थे, इसलिए वो भी टाइम ट्रेवल करके फिर से स्पीच देते हैं। टिम कैथरीन को देखता है जो डिप्रेस थी क्योंकि उसे प्यार में धोखा मिला था, लेकिन टिम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। कुछ महीनों बाद टिम को बेटी होती है जिसका नाम वो पोजी रखता है। टिम और मैरी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अब टिम को टाइम ट्रेवल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पोजी के फर्स्ट बर्थडे में टिम को पता चलता है कि कैथरीन का एक्सीडेंट हो गया है। उसका उसके एक्स बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था जिसके बाद उसने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। टिम कैथरीन से मिलने जाता है। वो उसे दर्द में नहीं देख पाता, इसलिए वो पास्ट में जाके कैथरीन को बचा लेता है। कैथरीन की मदद करने के लिए टिम उसे टाइम ट्रेवल की बात बता देता है और उसे न्यू ईयर पार्टी में ले जाता है और उससे उस लड़के से दूर रहने के लिए कहता है जिसकी वजह से ये सब हुआ। वो और पीछे जाके कैथरीन को अपने दोस्त जय के साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन जब वो वापस प्रेजेंट में आता है तो उसे पता चलता है कि टाइम ट्रैवल करने की वजह से उसकी बेटी की जगह बेटे ने ले ली है। ये बच्चा टिम के लिए अनजान था। इस बारे में टिम अपने डैड से बात करता है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो उस बच्चे के जन्म से पहले जाकर अब बेटे की जगह बेटी पैदा नहीं कर पाएगा और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके उस वक्त में पहुंच गया था जब उसकी बेटी पैदा नहीं हुई थी। अब टिम ना चाहते हुए भी टाइम में पीछे जाता है और कैथरीन का एक्सीडेंट होने देता है ताकि उसे उसकी बेटी मिल जाए। टिम और मैरी कैथरीन को समझाते हैं कि वो उस लड़के को भूल के जय के साथ अपनी लाइफ बिताए। कैथरीन भी इसके लिए मान जाती है। फिर कुछ समय बाद टिम को एक और बच्चा होता है। कुछ वक्त बाद टिम को पता चलता है कि जेम्स को कैंसर है। टिम चाहता है कि वो पास्ट में जाके इसे बदल दे, लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदली जा सकती हैं। जेम्स उसे एक और राज की बात बताता है। वो टिम से कहता है कि उसे अपनी ज़िंदगी दो हिस्सों में जीनी होगी, एक नॉर्मल लोगों की तरह बिना टाइम ट्रैवल किए और दिन भर अपनी परेशानियों को झेलते हुए, और दूसरा रात को वो अपने पास्ट में जाके फिर से वही दिन बिताना होगा, लेकिन इस बार उस दिन की खूबसूरती को देखना होगा जो उसने पहले मिस कर दी है। टिम ऐसा ही करता है और खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताता है। एक दिन उसे पता चलता है कि जेम्स की मौत हो गई है। फ्यूनरल से पहले टिम अपने डैड से मिलने जाता है जो जानते हैं कि टिम उनकी मौत के बाद यहाँ आया है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर टिम वापस चला जाता है और ऐसे ही जब भी टिम को उनकी याद आती है वो उनसे मिलने चला जाता है,
लेकिन एक दिन मैरी टिम से कहती है कि उसे एक और बच्चा चाहिए। टिम इससे परेशान हो जाता है क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद वो अपने डैड से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके पास्ट में जाने की वजह से उस बच्चे का फ्यूचर बदल जाएगा। लेकिन वो मैरी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो मान जाता है। बच्चे के जन्म लेने से पहले टिम आखिरी बार अपने डैड से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। जेम्स उसे टिम के बचपन में ले जाता है जहाँ वो पूरा दिन बिताते हैं। फिर टिम प्रेजेंट में आके अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ बिताता है। कैथरीन भी जे के साथ खुश थी। टिम ने अब टाइम ट्रेवल करना छोड़ दिया था और अपनी लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह जीने लगा था। वो अब हर दिन कुछ स्पेशल ढूंढने लगा था ताकि वो खुश रह सके। और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।